Hey, hello everyone. I welcome you to ArcGenesis. So today we are going to start theory of design, one of the most interesting subject in architecture or then designing. बहुत ज़्यादा interesting subject है, थोड़े बच्चे confused होते हैं, उसके बाद भी हम discuss करेंगे. जो series होने वाली है ये जो होगी बहुत ही basic से advanced level तक जाएंगी, ठीक है. तो अगर कभी आपको लगे कि ये तो मुझे आता है तो आप वीडियो को भी स्किप तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है. तो ये वीडियो सीरीज होने वाली है, तो इसमें एक या दो या तीन वीडियोज नहीं आएंगी, बहुत सारे वीडियोज आएंगी, क्योंकि जो नाटे ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है वो उसका जो दायरा है, जो उसका स्कोप है बहुत बड़ा है. तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी नहीं है, ठीक है. और आराम से बैठो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ने वाले हैं. आपका जो फोकस होना चाहिए वो डेफिनेशन को याद करने का फोकस नहीं होना चाहिए, राइट. योर टारगेट शुड नॉट बी टू लाइक रिमेंबरिंग द डेफिनेशंस, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आपको जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, दैट्स माय गारंटी, ठीक है. लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ समझनी है, क्योंकि अगर आप समझोगे तभी नाटक के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है. तो देख लेते हैं जो आज का डिस्कशन है, आज का डिस्कशन किन टॉपिक के ऊपर होगा. तो इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. इन फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे हम लोग, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग क्या है, और उसके कितने तरह के प्रकार होते हैं, टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करें कि प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो इट इज़ लाइक वी कैन डिवाइड लाइक सेवन टाइप बोल सकते हैं, लाइन, कलर, फॉर्म, शेप, स्पेस एंड टेक्सचर. पॉइंट को काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि पॉइंट क्या है, एक कुछ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ पॉइंट. अगर आप पॉइंट पेंसिल से बनाओगे बिना तो पॉइंट नहीं बनेगा. तो ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे अभी. तो अगर हम बात करें एंड क्या हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर बहुत कुछ पढ़ना होता है, लाइक एक्सिस क्या है, सिमेट्री क्या है, प्रोपोर्शंस क्या है, बैलेंस, स्केल, रिदम, हायरार्की, एम्फेसिस, कंट्रास्ट, वेराइटी, मूवमेंट, हार्मनी, ठीक है. इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आज की वीडियो में नहीं, लेकिन कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे. क्या इतना ही पढ़ेंगे हम? नहीं, इतना भी नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए. सो दिस इज़ अ लिस्ट जो मैंने प्लान किया है, कि फोकल पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी, बैलेंस, वेराइटी, रिदम, ग्रेडेशन, टेक्स्चर, रिपीटेशन, पैरलिज्म, डिस्टोर्शन, वाइब्रेशन. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, इंटरप्ले ऑफ द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, कन्वर्जेंस, कंपोजिशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसेस, सुरलिज्म, टेक्स्चर, ग्रेडेशन, ठीक है, इंट्रिकेट, रूल ऑफ थर्ड्स, गोल्डन रेशोस, सो चीज मिसिंग, कॉलाज, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और ऑफ कोर्स इनके बाद भी एड ऑन होते चले जाएंगे, ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट, आपको सारी जानकारी होगी, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. देर विल बी ए वेरी शॉर्ट काउंसलिंग टाइप डिस्कशन, जहां पर हम आपको गाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपकी तरफ से भी, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आई बटन पर जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगी. अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं या हम इसकी ज़रूरत क्या है, लेट्स जस्ट डिस्कस कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ लाइक टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ डिज़ाइन. अगर मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग कैसी लग रही है आपको, लाइक डू यू लाइक दिस पेंटिंग, येस और नो, तो आपका शायद जवाब होगा कि हाँ सर मुझे पसंद है, या फिर नहीं सर मुझे इतनी पसंद नहीं है, राइट. दो ही हो सकते हैं. अगर मैं आपसे रीज़न पूछूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लाइक इफ़ यू लाइक दिस पेंटिंग, वाई, ऐसा क्यों पसंद है आपको ये पेंटिंग, तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे आपकी बिल्डिंग, दिस इज़ माय फेवरेट बिल्डिंग, एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है कॉलोसियम. अगर मैं आपसे पूछूं बिल्डिंग आपको पसंद है क्या, आप बोलेंगे सर हाँ पसंद है, आप बोलेंगे नहीं पसंद है. जिनको पसंद आ रही है वो भी सोच कर देखें इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कि पसंद क्यों आ रही है. अगर इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो एंड वॉट इज़ द रीज़न कि पसंद क्यों नहीं है, लाइक आई डोंट लाइक दिस वीडियो और आई डोंट लाइक दिस पेंटिंग फोटो, वॉट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो पसंद क्यों नहीं है, देर शुड बी सम रीज़न. ये रीज़न शायद थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है. और भी इजी बना देता हूँ मैं आपको इस चीज़ को समझने के लिए. एक मेरी लाइफ का इंसिडेंस है, शायद आपको थोड़ा सा इजी और लगेगा समझने में. एक्चुअली आप सब जानते हैं मुझे कि मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पास आउट हूँ, और मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी नीदरलैंड से. जब मैं नीदरलैंड से वापस आया तो दैट टाइम आई डेवलप द हॉबी ऑफ फोटोग्राफी, लाइक वहाँ पर काफ़ी टाइम मिल जाता था मुझे यूरोपियन सिटीज़ में, तो मैंने वहाँ पर फोटोग्राफी करना सीखा. फोटोग्राफी मैंने बहुत सारी फोटोग्राफी की. उसके बाद जब वापस अपने कॉलेज में आया तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन था, एंड इट वाज ललित कला
अकेडमी की तरफ से नेशनल अवार्ड था इन द फोटोग्राफी सेक्शन। तो वहाँ पर क्या था, एवरी वन स्टूडेंट कैन आई थिंक मैक्सिमम नॉमिनेट 3 to 4 पेंटिंग्स या 3 to 4 फोटोग्राफ्स वो दे सकते थे, आर्ट वर्क अपने मैक्सिमम 4 दे सकते थे। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ सेलेक्ट करी और मैंने अपने सर को दिखाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पहली फोटोग्राफ है ये मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने सर को दिखाई, जो हमारे ग्राफिक्स के टीचर थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, कह रहे नहीं। उसके बाद फिर मैंने सर को ये वाली फोटोग्राफ दिखाई, सर ने बोला कि नहीं फ़ोटो ठीक है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, लाइक ये ऐसी नहीं है कि आप इसको दे सकते हो। एंड आई वॉज सरप्राइज कि जो मेरी हैं ये पर्सनली मेरी अच्छी फोटोग्राफ्स में आते थे, लाइक विच फोटोग्राफ्स एक्चुअली आई लाइक। और उस टाइम पीरियड में हम लोग एक फेसबुक पर पेज भी चलाते थे ससला बाय पिक्सल्स के नाम से, वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी उसको सपोर्ट किया था, लाइक लाइक्स में हम लोग देख सकते हैं। तो मैं उनको कई सारी फोटोग्राफी दिखा रहा था अपनी, तो उनको एक रैंडम एक फ़ोटो आती है एंड दिस वॉज द फोटोग्राफ, एंड सर ने बोला कि इसको फाइनल करते हैं एंड इट इज़ गोइंग टू विन दिस ललित कला अकेडमी फोटोग्राफी अवार्ड। एंड मुझे फोटोग्राफ ठीक लगी, ऐसा नहीं था कि मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पुराने दो फोटोग्राफ्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। आप भी मुझे बताओ कि जो मैंने ये वाली फोटोग्राफ्स हैं कैसी लगी है आपको। इस बात की गारंटी है जब तक ये वीडियो सीजन ख़त्म होगा ना, तो ये वीडियोस आपको इतना सिखा देगी कि इसमें आप कमी निकाल दोगे या इन फोटोग्राफ में कमी दिखा दोगे कि सर इसमें ये कमी है इसलिए फोटोग्राफ आपके सर ने मना कर दिया था। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में ये फोटोग्राफी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, लाइक जस्ट गिव द रैंक, लाइक 6 मार्क्स 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। ठीक है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपको क्या है फोटोग्राफी अच्छी लगी बेकार लगी। तो ये फोटोग्राफ जो थी मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला, काफ़ी बड़े स्केल पर प्रिंट निकाला, और जिस भी लोगों ने इसके फोटोग्राफ को देखा आई थिंक सभी बच्चों ने ये बोला कि फोटोग्राफी है ये आप जीत जाएगी, एंड अल्टीमेटली वही होता है। तो आई वॉन्ट दी 2013 नेशनल ललित कला अवार्ड इन फोटोग्राफी सेक्शन। तो बात ये आती है कि ऐसा क्या था कि जो ये फोटो थी सर ने एकदम देखते पहचान लिया कि नहीं ये जीतने लायक है, और जो बाकी हम लोग 4 दे सकते थे किसी ने देखी भी नहीं ये फोटोग्राफ, उनको पसंद ही नहीं है किसी ने भी, किसी ने लाइक खरीदने के भी नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाती है कि थ्योरी ऑफ डिज़ाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। और भी फोटोग्राफ्स हैं, जैसे ये मेरी है जो मैंने फोटोग्राफी की थी, ये बुलंद दरवाजा की है, सो दिस वॉज माई पेज नेम दैट टाइम। तो ये इसके अंदर भी कमियाँ हैं, ये फोटोग्राफी मुझे अच्छी लगती थी, फोटोग्राफ इसमें भी देखा जाएगा तो कमियां हैं जो लाइक इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पहले जी समझो कि जो हम क्लिक करते हैं, ये जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो आर्ट वर्क करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हमें अच्छी लगेगी फोटोग्राफ, हो सकता है कि हमारा आर्ट वर्क जो एग्जामिनर है उसको इतना पसंद ना आए। ये कई बार ऐसा होता है कि आप JEE पेपर 2 देते हैं, ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ ना कुछ आप मिस कर देते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर मेरे 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बट यू गॉट ओनली 40 मार्क्स। तो कुछ ना कुछ तो रही एग्जामिनर को लड़ाई फ्लाइन है आपसे, तो वो भी कई सारी चीज़ चेक करते हैं। ठीक है, अब ये है फोटोग्राफी, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हर एक फोटोग्राफ के अंदर शायद आपको अच्छी लग रही होगी, आई विश आपको अच्छी लगे, पर हर एक फ़ोटो के अंदर कुछ ना कुछ एक बड़ी गलती है। जब हम वीडियो सीरीज ख़त्म करेंगे तो आपको जवाब मैं दूंगा। सो इट इज़ ईजी टू से यू लाइक इट और नॉट, लेकिन प्रॉब्लम्स स्टार्ट व्हेन आई आस्क यू द रीज़न। ठीक है, आप सब बोल लो पसंद नहीं आए, चलो बताओ क्यों पसंद नहीं आई, पसंद आई ऐसा क्यों पसंद आ रही है आपको, इसीलिए हमें थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये तो चीज़ होगी। दूसरा क्या है कि हमारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ तो लेट मी फोकस, लाइक दिस इज द थिंग, प्रीवियस क्वेश्चन पर देख लेते हैं, नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, आपको क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, आपको एक आर्टवर्क दिया होगा और आपको यहाँ पूछा होगा कि चूज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनमें से 7-8 दिए होंगे एंड यू हैव टू चूज 2 ओनली। ठीक है, ऐसे ये है, आपको पैटर्न दे दिया गया है, आपको बताना है पैटर्न शिफ्ट है, फोकल पॉइंट है, कंट्रास्ट है, रिपीटेशन है, फ्लो है, डायरेक्शन है, ये सब चीज़ें। आप कैसे सोल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, जब तक आपको इसका मतलब पता होगा, मतलब नहीं पता होगा तो आप सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये हर पेपर पूछे जाते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछे गए थे, लास्ट ईयर पूछे गए थे एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल ही पूछे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ मुझसे पूछ रहे थे सर नाटा के बारे में, आप वीडियो बनाओ कैसे तैयारी करनी, इतना दिन वेट किया है, थोड़े दिन वेट और कर लो, लाइक मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार फॉर्म निकल जाए तो हम उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार ही आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आए थे। और अगर मैं आपको सेकेंड अटैम्प्ट दिखाता हूँ तो आप सेकेंड अटैम्प्ट में भी जाकर देखेंगे। यस, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर ये पेंटिंग के बारे में पूछे गए थे। अरे पेंटिंग के बारे में नहीं पूछे गए थे, ये आपको सिर्फ यही बताना था, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इस बार चार पूछ लिए आपसे, तो चार में से आपको बताना था क्या है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही था कि फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरह है ना, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स। ये थर्ड अटेम्प्ट है नाटक का, लास्ट ईयर का। इसको बंद कर देते हैं। यस, अच्छा अगर हम बात करें कि जेई के क्वेश्चन आते हैं, जेई में डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। लास्ट ईयर का जो पहला क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग कंपोजिशंस ऑफ हैविंग लेस विजुअल टेंशन अमंग द फॉलोइंग फिगर। तो कंपोजिशन वही आ गई है इसके अंदर भी, कि आपको थोड़ी डिजाइन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। देर इज अ वेरी फेमस कोट बाई F.L.W. फ्रैंक लॉयड राइट कि डू नॉट ट्राई टू टीच डिजाइन, टीच प्रिंसिपल्स। किसी को डिजाइन मत सिखाओ, उसके प्रिंसिपल सिखा दो। ठीक है, क्योंकि उसका डिजाइन जो आता है, अगर प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गए तो आपका डिजाइन अच्छा ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। क्लियर। सो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहला पॉइंट है, देन लाइन, देन कलर, फॉर्म, शेप, स्पेस एंड टेक्सचर। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बेसिक वीडियो है, पता होना जरूरी है कि मतलब क्या होता है पॉइंट का, लाइन का मतलब क्या है, कलर क्या है, फॉर्म क्या है। तो एक एक को पकड़ के हम लोग इसको देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, देखो पॉइंट क्या है, उसको मार्क भी बोलते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक एलिमेंट। तो बहुत ही सब छोटा है, क्योंकि आप कहीं मैं पॉइंट भी क्लिक कर रहा हूँ, इट्स अ पॉइंट है ना, एंड इज अ मोस्ट बेसिक एलिमेंट। क्या मैं लाइन बना सकता हूँ विदाउट यूजिंग पॉइंट? नो, पॉसिबल नहीं है। अगर लाइन भी कुछ नहीं है, इट इज अ लाइक द सीरीज ऑफ द पॉइंट्स। क्लियर। सो इट कैन बी यूज टू मार्क वैल्यू पैटर्न। ये काम हो सकती है किसी की वैल्यू देने के लिए, पैटर्न को मार्क करने के लिए। अभी ये वर्ड्स आपको थोड़े नए नए लग रहे होंगे, बट जस्ट हैव द पेशेंस, कुछ दिनों का वेट करो। जब तक वीडियो सीरीज में खत्म करूंगा आपको परफेक्ट बन चुके होंगे इसमें थ्योरी ऑफ डिजाइन। ठीक है, सो प्लेस क्लोज टुगेदर फॉर्म ए डार्कर वैल्यू। अब क्या है मतलब वैल्यू, देखो अगर मैं डॉट को पास पास रखता हूँ, लाइक दिस इज लाइक दिस, और यहाँ पर मैं रखता हूँ थोड़ा दूर दूर, तो जो ये वैल्यू है काफ़ी डार्क हो गई है, जैसा आप यहाँ पर देखो इसके अंदर। सो दिस पार्ट इट इज़ डार्क वैल्यू। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स है बहुत पास पास रखे गए हैं, थोड़ा यहाँ पर दूर दूर रखे हुए हैं, तो यहाँ लाइट वैल्यू है। क्लियर है। तो पॉइंट का मतलब क्या है, अगर हम देखें रियलिटी के अंदर हम पॉइंट बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अगर मैं आपसे बात करूँ, जूम इन करोगे तो ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट का मतलब है कि कितना भी जूम इन करते चले जाओ, इसकी लेंथ और ब्रेथ कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं, बनाने में आप नहीं बना सकते हैं। कितना भी पतला बनाओगे तो इट विल हैव द लाइंस। फिर आता है लाइन का मतलब क्या है। सो लाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन। अगर मैं जो प्रेजेंटेशन आपके सामने बना रहा हूँ, मैं आपको जो मार्क कर रहा हूँ, आप सोच कर देखो कि अगर लाइन ना बनाऊँ मैं तो ऐसा पॉसिबल है कुछ बना? नहीं हो सकता। कि आप कोई डिज़ाइन बना सकते हो, स्केच बना सकते हो, पेंटिंग, प्लान, कुछ भी बना सकते हो बिना लाइन के? नहीं हो सकता। इट इज़ अ मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट। इट ऑलवेज हैव मोर लेंथ देन थिकनेस। ऑफकोर्स लाइन का मतलब ये होता है कि जो उसकी लंबाई होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, जो चौड़ाई से कम होगी। अब बोलेंगे सर मैं अगर ऐसा बना दूँ तो, लाइक मैं उसकी लेंथ कम रखता हूँ और ब्रेथ ज़्यादा रख देता हूँ, इस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन फिर ये लेंथ बन जाएगी ना, बात तो ही होगी। सो इट ऑलवेज हैव मोर लेंथ देन थिकनेस एंड कैन बी अनब्रोकन। ये ब्रोकन हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, अनब्रोकन मतलब कंटिन्यूटी है, और अनब्रोकन मतलब दिस इज अनब्रोकन मीन्स लाइक दिस। इट कैन बी इम्प्लाइड हो सकती है, इट कैन बी वर्टिकल हो सकती है ना, ये तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं आपकी, दिखाऊंगा अभी उनको भी, वर्टिकल भी हो सकती हैं, डायगनल हो सकती हैं, ठीक है, डैश लाइन हो सकती हैं, परपेंडिकुलर हो सकती हैं, देर कैन बी ऑफ एन नंबर टाइप ऑफ दी लाइन्स, लेकिन हमें जहाँ तक समझना उसके बारे में बात करेंगे। सो लाइन्स आर यूजफुल फॉर डिवाइडिंग स्पेस एंड ड्रॉइंग द आई टू स्पेसिफिक लोकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट हाउ अ मैगजीन यूज लाइन टू सेपरेट कंटेंट, हेडलाइंस एंड साइड पैनल्स। आपके पास अगर न्यूज़पेपर होगा तो आपको दिख जाएगा, कहीं पर भी देखो, बुक खोलो आपकी, जो कोई भी बुक आपके आसपास टेबल पर रखी होगी तो उसमें क्या है, एक पर हेडिंग लिखा होगा और यहाँ पर लाइन क्लिक की होगी। सो लाइन क्या करती है, स्पेस को डिवाइड करती है।
होता है सब। अगर मैं, ये मेरा स्पेस है एंड आई डिवाइड, एक लाइन मैंने क्लिक कर दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ आई जस्ट पेस्ट अप फोटोग्राफ है। सो दिस लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लाइन, इट इज डिवाइडिंग द स्पेस। उसने क्या करा, जो ये मेरा पूरा पेज था उसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये जाकर देखो, कोई बुक आपके पास होगी तो उसमें लाइन दिख जाएगी, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, अगर हम लाइन को बात करें तो आर्ट वर्क के हिसाब से हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल देखो, इसमें समझना ही है आपको, इसमें आपको याद नहीं करना है कि तीन टाइप की इसको लिखने बैठ जाओ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है जैसे यहाँ पर है, वर्टिकल लाइन ये हो सकती हैं, डायगोनल लाइन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्या दिखाती क्या है, लाइक व्हाट द मीनिंग ऑफ द हैविंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, कि किसी भी ड्राइंग के अंदर, किसी भी आर्ट वर्क के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या पोर्ट्रे करना चाहती है। अगर आप किसी भी कंपोजिशन में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो ये कहीं ना कहीं काम को या क्वाइट शांति को प्रतीत करती है, लाइक इट रिफ्लेक्ट सम कामनेस इन योर आर्ट वर्क। अगर आप वर्टिकल बनाते हो तो इट रिफ्लेक्ट द मोमेंट, और अगर आपको ये डायगोनल बनाते हैं तो उसको विटेलिटी को शो करती है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप अपने पेपर टू में हैं इनको यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो यही चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। खैर, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर में या रियल लाइफ में कहाँ हमें लाइन देखने को मिलेंगी, तो दिस इज़ द ऑब्लिस्क, ठीक है, ये ऑब्लिस्क है तो ये लाइन ही तो है और क्या है। अगर हम बात करें तो ये रोड है, यस इट इज़ दी अगेन ऐसा लाइन, एंड आई एम सॉरी कि मेरे बैकग्राउंड नॉइस हो रही है, बट चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या कर रही है लाइन, ये स्पेस को डिवाइड कर रही है, दिस स्पेस इज डिफरेंट एंड दिस स्पेस इज डिफरेंट, ठीक है। जैसे फ्लोर प्लान है तो ये कौन सी है, जिगजैग लाइंस हैं, यहाँ पर देखो ये कौन सा है, ये जो हमारा प्लान है बिल्डिंग का, ये ऐसा कुछ है। यस, बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं कौन सी बिल्डिंग है, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है, इट इज़ इन बर्लिन। इसका 3D व्यू दिखाओ, ये ऐसा है। इवन जो उसकी जो जिगजैग लाइंस है इसके पीछे रीज़न है कि क्यों जिगजैग लाइन दिखाई गई है, और जो डायगोनल है यहाँ पर ही देखो लाइन, ऐसा कभी आपने बिल्डिंग देखी नहीं होगी, इट इज़ हैविंग द स्क्रैचेस। तो ये यस इन्हीं को दिखाती है कि पेनफुल चीज़ है। सो द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज़, बताऊँ आपको उस बिल्डिंग के, या मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, इस बिल्डिंग का मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड जो ये है, ये जूस के ऊपर जो अत्याचार हुआ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू बाय द हिटलर, उसी का एक म्यूज़ियम है। तो आई थिंक आपको नाम भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो खैर, देखते हैं कितने लोगों को पता है इस बिल्डिंग के बारे में, उसका बिल्डिंग का नाम और उनके आर्किटेक्ट के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये आता है, फिर नेक्स्ट थिंग आती है कलर। कलर आप जानते हैं कि कलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन फॉर बोथ द यूजर्स एंड द डिज़ाइनर। आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, स्केच करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, तो कलर यूज़ करते हैं दोनों के लिए इजी, यूज़र मतलब जिसको यूज़ करने वाला है या जो व्यूवर है और डिज़ाइनर, ठीक है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ बैकग्राउंड, ऐसा भी हो सकता है कि जैसा पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पर मैं कुछ और बना देता हूँ तो ये बैकग्राउंड में जा सकता है, और बी अप्लाई टू अदर एलिमेंट्स लाइक लाइन, शेप, टेक्सचर एंड टाइपोग्राफी, हो सकता है यस। कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ, लेट्स से इफ़ आई जस्ट मेक अ डॉट हेयर, तो आप बोल सकते हैं जो बैकग्राउंड में है कलर और जो डॉट है ये अलग निकल कर आ गया, लेकिन मैं इसको भी अलग अलग कलर में कर सकता हूँ, है ना, लाइन बना सकता हूँ। कलर क्रिएट्स अ मूड विद इन द पीस एंड टेल्स अ स्टोरी अबाउट द ब्रांड, यस ये भी बहुत काम करता है कि जो मूड है किसी भी चीज़ का, अगर मैं इसको डल कर दूंगा तो थोड़ा सा लिथार्जिक टाइप का हो जाएगा, उसको भी हम देखेंगे कभी अगर मौका मिला कलर थ्योरी के ऊपर। एवरी कलर से समथिंग डिफरेंट, जैसे रेड कलर है वो डेंजर को दिखाता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर है पीस को दिखाता है, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन कैन ऑल्टर दैट इंप्रेशन फर्दर। जैसे आपने कलर साइकोलॉजी पढ़ी होगी, कलर इज ऑल्सो फैंटेस्टिक टूल फॉर क्रिएटिंग एंड स्टेबलाइजिंग अ मूड फॉर योर ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, रेड टिपिकली सिग्निफाइज लव, होता है ना वैलेंटाइन, अगर हम जो हार्ट बनाते हैं तो लाल रंग का बनाते हैं, तो जो रेड कलर है इट सिग्निफाइज द लव, स्ट्रेंथ एंड पावर एंड डिजायर। ग्रीन जो दिखाता है वो आपको ट्रैंक्विलिटी, गुड लक या हेल्थ को दिखाता है। अगर और हम येलो कलर की बात करें तो पैशन को दिखाता है, येलो ऑरेंज। जैसे आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट टीम सबसे अच्छी टीम कौन सी है, तो यू विल से मोस्टली कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड टीम, मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम पूरे हिस्ट्री की बात करें, उसका कलर कौन सा है, उसके ड्रेस का येलो है। अगर हम बात करें कि फुटबॉल टीम इट्स अ ब्राज़ील, उसका भी येलो कलर है।
अगर हम बात करें आईपीएल, तो आप सब जानते हैं कि आई थिंक ऐसा नहीं है, मैंने बताया था ना डिजाइनिंग में काउंटर वेंशन हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि धोनी की टीम लाइक सीएसके, उसका भी येलो कलर है, तो येलो कलर कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं कलर साइकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको जैसे हम पढ़ते हैं ऐसा नहीं पढ़ने, डिफरेंट तरीके से पढ़ने, तो बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आपने कभी ये चीज़ नोटिस करना कि जो भी बैंक होते हैं, जैसे SBI ले लो, HDFC ले लो, येस बैंक ले लो, और कैनरा बैंक है, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया भी है, CIO एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है ना कुछ, तो उन सब के कलर देखना, उनके लोगो अभी वीडियो पोस्ट करो, जैसे सर्च ऑन दिस लोगोस, आप ना कहीं ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे। तो ऐसा क्या है कि इतनी सारी बैंक हैं सब ब्लू कलर फॉलो कर रही हैं? या फिर एक काम करो कि जितने भी फूड लाइक जो फ्रेंचाइजी हैं, मैकडी है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, ये कहीं ना कहीं रेड कलर या ऑरेंज कलर के लोगो क्यों बनाते हैं? तो ये इसको बोलते हैं कलर साइकोलॉजी। ये आपके जो कलर हैं कितना इम्पैक्ट डालते हैं आपके माइंड पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, वो आपकी फूड क्रेविंग को बढ़ाता है, इसलिए वो ये इस कलर करते हैं। जो बैंक है वहाँ पर दिखाना होता है कि आपके लिए कि लाइक रिलायबल पार्टनर, ब्लू कलर एक्चुअली सिग्निफाइज द रिलायबिलिटी, तो इसलिए वो ब्लू कलर यूज़ करते हैं। ऑरेंज कलर जो स्ट्रेंथ को दिखाता है, पैशनेट को दिखाता है, तो इसलिए येलो कलर या फिर जो वॉर्म कलर है, जितने भी टीम होती हैं उनको आपको ऐसे कलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कलर साइकोलॉजी। बहुत वो भी डिफरेंट टॉपिक है, कभी मौका मिला तो उसको वही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कलर के अंदर, ह्यू, सेचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू का मतलब कुछ नहीं होता, कलर होता है। आप एक्चुअली बोलते हैं ना सर ब्लू कलर है, लेमन कलर है, या फिर ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, तो इट इज़ नॉट अ कलर। एक्चुअली आप ह्यू की बात कर रहे हो। सो ह्यू रिफर्स टू द नेम ऑफ द कलर, फॉर एग्जाम्पल रेड, ब्लू, ग्रीन, एंड इट कैन बी एन नंबर ऑफ द ह्यू, मतलब बहुत सारे नाम हो सकते हैं। किसी दिन जाओ अपने सिस्टर के साथ जाओगे तो वो बता देगी कौन कौन से कलर होते हैं, लाइक यू विल फील कि पिंक कलर होता है, नहीं पिंक के भी 1000 वर्जन्स होते हैं। ठीक है, तो सेचुरेशन क्या है? सेचुरेशन का मतलब होता है रिफर्स टू द इंटेंसिटी और द प्योरिटी ऑफ द कलर। होली आने वाली है, आपने एक कलर लिया, उसके अंदर अपना हाथ, उसको हाथ पर रखो, वो थोड़ा सा पानी डालोगे तो बहुत डार्क होगा, उसमें बहुत सारा पानी डाल दोगे तो क्या होगा, कलर तो ऑरेंज का ऑरेंज रहेगा लेकिन सेचुरेशन कम हो जाएगा, मतलब प्योरिटी कम हो जाएगी, होती है ना, पानी ऐड करते चले जाओगे सो सेचुरेशन कम हो जाएगा। या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे, जब आप कोई पोस्ट करते हो तो उसमें एडिट में जाओ तो वहाँ पर सेचुरेशन का वर्ड लिखा होता है ना, उसको आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, करके देखो अभी, तो सेचुरेशन क्या होगा, कलर को एकदम प्योर कर देगा। ठीक है, सो सेचुरेशन रिफर्स टू द इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ द कलर। अ स्पेसिफिक ह्यू कैन हैव अ वाइब्रेंट और अ डल सेचुरेशन, ठीक है, एंड एनी वेयर इन द बिटवीन, कहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर है, या जो रेड कलर का, ये वाला, इवन मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, ये क्या है, इट इज़ मोर सेचुरेटेड। अब मैं इसको डल करना चाहूँ तो थोड़ा सा इसको मैं लाइट कर दूंगा, वाइट ऐड करूंगा थोड़ा डल हो जाएगा ये। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब होता है इंटेंसिटी और द प्योरिटी ऑफ द कलर। ठीक है, ये इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ईजी फंक्शन आता है, उसको बढ़ाओगे तो आपको लग जाएगा बहुत ही ब्राइट कलर है ना। या फिर अगर आपका कैमरा अच्छा है तो आप डे टाइम फोटो क्लिक करना किसी फ्लावर की, और एक अभी अंधेरे में फोटो क्लिक करना, लाइक डल में फोटो क्लिक करना, तो दिख जाएगा कि एक फोटो के अंदर सेचुरेशन ज़्यादा आई है या कम आई है। ठीक है, वही होता है। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ रिफर टू द लाइटनेस और द डार्कनेस ऑफ द कलर, कि जो कलर है वो कितना लाइट है, कितना डार्क है। अच्छा मैं सिंपल बताओ, अगर ये ब्राइट कलर है, इसको मैं लाइट करना चाहता हूँ, लाइक मैं बहुत ही चाहता हूँ कि बहुत ही लाइट सा हो जाए, तो क्या ऐड करूँगा मैं? ऑफ कोर्स मैं व्हाइट कलर ऐड करूँगा, तो इसमें व्हाइट ऐड करूँगा तो लाइट बन जाएगा। अगर मैं डार्क करना चाहता हूँ तो आई विल ऐड ब्लैक, तो ये ब्लैक कलर का डॉट डार्क बनता चला जाएगा। अगर हम उसके अंदर व्हाइट ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं टिंट, कि दीज आर द टिंट ऑफ दिस कलर, लाइक रेड कलर के टिंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, जो कलर है उसको अपन लाइट करते चले गए। और अगर हम उसमें ब्लैक ऐड करता हूँ तो उसको बोलते हैं शेडिंग, कि अपना शेड हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है ये सब चीज़ें, मुश्किल नहीं है, बस समझने की देर है। इसको मैं ज़्यादा लिया नहीं है ये उन सब चीज़ों, क्योंकि इट्स एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द कलर थ्योरी, और नहीं तो हमारी वीडियो बहुत बड़ी बनती रहेंगी, उसके लिए भी होता है, एंड बहुत टाइम लग जाता है यार वीडियो बनाने में, इनको कई सारी चीज़ें, फिर एडिटिंग ये सब। तो दिस इज़ अ थिंग कि जहाँ पर देखें ट्रस्ट दिखाता है ब्लू कलर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसी कंपनीज हैं, डेल को चाहती है ट्रस्ट है, जिससे कि आप उनके सामान खरीदें। ठीक है, HP है, वो भी ये चाहती है कि, वॉलमार्ट है, IBM है, फेसबुक है, सो दिस कंपनी दे वॉन्ट टू से कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो ट्रस्ट के रहते हैं। जो एक्साइटमेंट, बोल्ट, यूथफुल, तो आप देखें कोका कोला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कैनन, KFC, ये सब क्या दिखाती हैं, इज दैट बोल्ट, या फिर आपको फूड क्रेविंग बढ़ाती हैं।
ठीक है, चेयर फील कॉन्फिडेंट, तो ये कलर थ्योरी ऐसा काम करती है। बट चलो अगर हम बात करें कि शेप क्या होती है, सो व्हेन ए टू डायमेंशनल लाइन एनक्लोज एन एरिया, मतलब क्या है, ये मेरी लाइन थी, अगर मैं कुछ ऐसा कुछ भी करके उसको मैं एरिया बनाता हूँ, लाइक मैंने उसको कन्फाइंड कर दिया, एनक्लोज कर दिया, तो जो ये शेप बनेगी, जो ये बनेगा, उसको हम बोलेंगे शेप सिंपल लैंग्वेज में। अ शेप कैन बी ज्योमेट्रिक हो सकती है या फिर ऑर्गेनिक हो सकती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसी शेप जो नेचर में भी देखने को मिलती हैं, और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये हैं आपकी, कभी आपने देखा होगा, कभी नेचर में ऐसी चीज़ कभी नहीं मिलेंगी। अपने आपको देखो, कोई एजेस निकली हुई हैं आपकी, नहीं निकली होंगी, या कोई प्लांट कैसी निकली होंगी, नहीं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है इस तरह से ग्रोथ होती है। नेचर्स कभी भी राइट एंगल पर काम नहीं करती, ठीक है। नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम गोल्डन रेशो के टाइम पीरियड में, जब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट कैन बी ऑर्गेनिक और लाइक लीव्स, फ्लावर्स, एनिमल, और ये ज्योमेट्रिक हो सकती है, जैसे सर्कल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, दिस इज द प्लान, तो ये प्लान क्या है, ये ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, क्योंकि ऐसी कभी नेचर में देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम पॉलिटिकल मैप की बात करें या फिर हम बात करें कोई फिजिकल मैप के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या है, ये ऑर्गेनिक शेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेस क्या होता है। स्पेस का मतलब वो वाला स्पेस नहीं है कि अर्थ से बाहर स्पेस है। स्पेस रिफर्स टू द एरिया अबव, मतलब एक एरिया को दिखाता है जो किसी के ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, अराउंड आसपास हो सकता है, पीछे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके जो आसपास है, दैट्स कॉल्ड द स्पेस। जो ये पूरा का पूरा है, ये स्पेस आता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, ठीक है। सो पॉजिटिव स्पेस रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज अ पर्सन, फेस और फर्नीचर इन अ रूम। मतलब क्या है कि पॉजिटिव जो स्पेस होता है वो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, आप जो पेंटिंग बना रहे हो, आर्टवर्क बना रहे हो, किसे फोकस करना चाहते हो, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव स्पेस। अभी किसी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, सो जो पर्सन का जो फेस है, इट विल बिकम द पॉजिटिव स्पेस। अगर आप किसी स्टिल लाइफ की फोटोग्राफी करना चाह रहे हो, स्केच बनाना चाह रहे हो, तो जो घर में सामान रखा हुआ, रूम में है, फर्नीचर है, टेबल है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, वो बन जाएगा पॉजिटिव स्पेस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब ब्लैक से नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, और ये वाइट से भी नहीं है अगर हम बात करें। सो नेगेटिव कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कैन बी एनी कलर, दिखाऊंगा अभी उसको भी। सो नेगेटिव स्पेस ऑन दी अदर हैंड रिफर्स टू दी बैकग्राउंड एरिया। नेगेटिव जो स्पेस है वो बैकग्राउंड एरिया है, वो आप चाहते नहीं फोकस करना उसके ऊपर, एरिया दैट सराउंड द सब्जेक्ट और एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। अगर मान लेते हैं दिस इज माई कमला, लाइक मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, पोर्ट है मेरा यहाँ पर, ऐसा मैंने बनाया है पोर्ट, तो ये जो है पोर्ट, दिस इज माई पॉजिटिव स्पेस, और जो बैकग्राउंड आया है ये सारा का सारा, इट विल बिकम द नेगेटिव स्पेस। इतना सा है, इसके अंदर कलर सा कोई लेना देना नहीं है उस चीज का, ठीक है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैनी ऑल्सो बिलीव दैट फॉर्म इज अ शेप दैट एक्वायर थ्री डायमेंशन वैल्यूज, कि जो फॉर्म क्या होती है, आप वो उसको 3D बना देते हो तो फॉर्म बन जाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर जो आपके शेप्स हैं उनको चेंज कर दो, इट विल बिकम द वॉल्यूम, ठीक है। चलो खैर, कम टू दी अवर मेन टॉपिक, कि पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। यहाँ पर मुझे बताओ कि आपका फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है लेट्स से, तो यहाँ पर क्या है, ये ह्यूमन फिगर है, राइट, ये वाला पार्ट, तो दिस इज द पॉजिटिव स्पेस। मतलब यहाँ पर जो ब्लैक वाला पार्ट है, दिस ब्लैक वाला पार्ट, इट इज द पॉजिटिव स्पेस, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव स्पेस, क्योंकि यहाँ पर भी तो है। नेगेटिव स्पेस क्या है, नेगेटिव स्पेस जो है वाइट वाला पार्ट है, ये सारा का सारा नेगेटिव स्पेस मार गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप बोलेंगे सर मेरा फोकस यहाँ पर है, मैं सिर्फ अंदर के जो डिज़ाइन बना हुआ है ये वाला, इसकी तरफ देख रहा हूँ, तो आप इसको बोलेंगे कि सर दिस इज माई पॉजिटिव स्पेस एंड इट इज माई नेगेटिव स्पेस, होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका सिर्फ वीडियो का या जो मैंने दिखाई है आपको, यही चीज़ समझाने का पॉइंट है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस कलर से रिलेट नहीं होते हैं, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी जैसे वो है शेप को, अगर हम 3D बना लेते हैं तो इट्स बिकम द वॉल्यूम, तो नॉर्मली क्या है, ये 2D था, और अगर हम उसको 3D बना दिया तो इट विल बिकम द वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर है, इसके बारे में जानते हैं क्या है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दी दैट म्यूजियम, उससे इससे रिलेटेड है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, आप मुझे बताओगे तो अगली वीडियो में समझा दूंगा मैं सब चीज़ें।
अब जैसे हम इसको देखते हैं, सो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, मुझे इसके बारे में सिर्फ फोकस ऑन दिस पेंटिंग, इस पार्ट पर फोकस करो। तो ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव स्पेस है और जो वाइट पार्ट है और नेगेटिव स्पेस है ना। धीमे धीमे ट्रांसफॉर्मर चला गया, अभी क्या हुआ, जो व्हाइट वाला पार्ट है इट इज अवर पॉजिटिव स्पेस एंड जो ब्लैक वाला पार्ट है नेगेटिव स्पेस है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका मतलब क्लियर हो गया होगा क्या है, कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा फोकस मेन ऑब्जेक्ट पर है, सो मेन ऑब्जेक्ट इज अवर पॉजिटिव स्पेस एंड जो बाकी सब है एनवायरमेंट में उसको बोलेंगे हम नेगेटिव स्पेस। आई थिंक क्लियर है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कि टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है, सो टेक्सचर इज द वे अ सरफेस फील, नाम से क्लियर है कि टेक्सचर एक तरीका है जो हमें बताता है कि जो किसी भी चीज़ की सरफेस कैसी है, और इट वेज इट परसीव टू फील, या फिर बिना छुए हमें ये दिखा देता है कि ये टेक्सचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने ये, इसको देखो, इसे फोकस करो, आपको कैसा फील हो रहा है कि रफ टेक्सचर है? हाँ रफ टेक्सचर है, लेकिन अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाकर देखो, टच करके देखो, यहाँ तो बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ये भले ही रियलिटी के अंदर ये प्लेन है, आपकी जो स्क्रीन पर तो प्लेन है ना, यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर है, लेकिन आपको उसे फील करा रहा है कि हाँ यहाँ पर पैटर्न है, इसके यहाँ पर एक टेक्सचर है। सो इट हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट और डिट्रैक्ट अ व्यूअर्स आई, और ये टेक्सचर अगर होता है तो उसके पावर होती है, लाइक उसके अंदर एक एनर्जी है जो उसका अटेंशन ग्रैब कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस को फोकस करा, आपने इसके ऊपर, आपका फोकस यहाँ पर गया था क्या, तो यहाँ पर था, आपका फोकस कहाँ पर था, इस वाले पार्ट पर था सर, यहाँ तो देखा आपने, कब नोटिस करा कि यहाँ पर क्या था, नहीं अपना फोकस करा हुआ। ठीक है, सो देर आर टू टाइप ऑफ द टेक्सचर, एक बोलते हैं टेक्टाइल, एक होता है विजुअल। टेक्टाइल का मतलब होता है कि जो 3D में रहता है एंड इट कैन बी स्टाइज, अगर आप रियलिटी में जाकर किसी प्लांट को टच करोगे तो उसको बोलेंगे टेक्टाइल टेक्सचर, और अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुनते हुए टच कर रहे हो तो इट विल बिकम दी विजुअल टेक्सचर। ठीक, सो द इजिएस्ट एग्जाम्पल इज अ ट्री बार्क, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, वैन यू टच बार्क यू कैन फील ऑल द बम्स एंड रिजेस, द रफनेस एंड द स्मूथनेस, अ फोटो ऑफ द सेम बार्क विल वुड बी ए विजुअल टेक्सचर, यू कैन सी इट बट नॉट फील इट, आप देख सकते हो लेकिन आप फील नहीं कर सकते, मैं छूकर देखूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन को तो प्लेन ही आएगी यार, अंदर कुछ भी टेक्सचर होता रहे। ठीक है, तो टेक्सचर भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, फाइन ग्रेन, या फिर वो हमारा मतलब नहीं है, तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपको ये देता हूँ तो इसमें पूछूँ कि कौन से आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल सी एक ऑप्शन कि टेक्सचर इज देयर, तो आप उसको क्या लिखेंगे, क्लिक करेंगे टेक्सचर पर? हाँ सर, टेक्सचर पर क्लिक करेंगे क्योंकि क्लियर हो गया है ना, टेक्सचर है। थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर ये अपना पूरी वीडियोस हमने बनाई और आपने समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, एक बार समझने की देर होती है, एंड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो कोई चांसेस नहीं है क्वेश्चन गलत होने के। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से। ठीक है, ये बहुत बेसिक वीडियो थी जो हमें समझाना था कि ज़रूरत क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सेस, सिमेट्री, प्रोपोर्शंस, बैलेंस। तो हर वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं एक ही टॉपिक के दो टॉपिक को, मैक्सिमम 3 टर्मोलॉजीज को डिस्कस करूँ। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, इट इज़ लाइक प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल, हम अपने वीडियो क्लासेस में बच्चों को जो लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पर सिखाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ठीक है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर लाइक एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, इनको पूरा कंटेंट तैयार करने में, अभी आपने देखा बैकग्राउंड कितना नॉइज चल रहा था, एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये मेरी 5वीं 6वीं वीडियो में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी लोग चले जाते हैं शाम का टाइम है, और कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कभी फ़ोन सेल फोन, कभी बैकग्राउंड वॉइस। सो द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि प्लीज़ लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, एटलीस्ट हम मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक हमारी वीडियोज़ देखी जा रही हैं तो लोग को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ वीडियोज़ लिए अच्छी लग रही है तो आप उसको भी बताओ, अगर कोई चीज़ इंप्रूवमेंट करने की है तो आप उसको भी बताइए, हम उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आई होप, और बाकी अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स ज्वाइन करना तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।